के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड। वाह वाह के निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड। आज हम वापस खेल रहे हैं मटके में अटका हुआ लंड। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर। तो पिछली वीडियो में कुछ व्यूज वगैरह तो आया नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम लाएंगे 15 किल से प्लस 15 किल ले आएंगे। यस, हम 15 किल पे खेलेंगे और जल्दी जल्दी हम पहले लैंड कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से गन ले सकें, लोगों को मार सकें। हम उतरे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में। यहाँ पर इतने लोग उतर रहे हैं कि क्या ही बताएं कितने लोग उतरे हैं अभी। अब इसमें कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही भागते रहता हूँ, मतलब बंदों को ढूंढ रहा हूँ, कोई बंदे नहीं मिल रहे, गोली गोली चल रही रहती है आसपास में, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। यहाँ मुझे गन मिली, गन नहीं स्टॉक मिला। ये बंदा देखो, इसके पीछे भागता हूँ, ये लगी इतना से भाग रहा है, इसके पास आज तक गोलियाँ नहीं मिली, ये भागे जा रहा है, रुके नहीं रहा। फिर मैंने मतलब इसको काफ़ी देर से मारने की कोशिश करी, मुक्के से मारा, लेकिन लगी नहीं रही इसको। फिर मैंने तैयारी छोड़ो, ये मरेगा बाद में मेरे से। तब तक मैंने इधर से गोलियों की आवाज़ सुनी राइट से, तो राइट की तरफ मैं भागता हुआ गया। वहाँ पे आने के पता चला बंदे लड़ रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे थे। तो फिर हम भी घुस गए ऐसे, अपने मुक्का उक्का लेके, कुछ कैसे भी मार ही देंगे इनको। देखो वो बंदा देखा भागता हुआ। अब मैं इसके पीछे जाता हूँ, सोचा कि कुछ बंदूक बंदूक मिल जाएगी, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत में इतनी अच्छी भी कहाँ कि कुछ मिल जाए। एक स्टॉक मिला हुआ था, तब से मैं उसके पीछे काफ़ी दूर भागा, काफ़ी दूर नहीं, उसने मेरे को देख लिया। जैसे मैंने गन उठाया वो अपने आप मर गया। देखो क्या ही खौफ है मेरा, इतनी जल्दी मर गया, मेरे को देखते ही मर गया। फिर उन्होंने यहाँ पर हेल्थ के लिए मशरूम उठाई, वहाँ पर सामने एक बंदा देखा भागता हुआ, मैं उसके पास गया और उसको मैंने लिया एम। पहले तो मैंने ये शॉटगन चलाई, शॉटगन से मतलब कुछ लगी नहीं इसको। फिर मैंने सोचा अच्छा गन चेंज करी, और 1M16। इस बंदे का एम तो टट्टी था ना, मार नहीं पाया, मैं दूसरी गोली में उसको उड़वा दिया, क्योंकि उसकी हेल्थ पहले से कम हो चुकी थी, बंदों से लड़ रहा था। ये मेरा पपी टेलीपोर्ट हो जाता है, कभी आ जाता है गोली चलने के कारण। अब ये बंदा सामने वाला मतलब डैमेज दे रहा था, शॉटगन चला रहा था, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गया। मैंने सोचा इसको मार दें, क्योंकि शॉटगन की जानते हो क्या सीन, अगर पास गए तो अच्छे से सुला देगी, और दूर से तो फिर उसकी गोली नहीं लगती बंदों को। मैंने इसको लूटा, फिर मैं आगे बढ़ा, मतलब है यहाँ देखिए इसकी गोलियाँ वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इसकी उठा ली, फार्मास उठा ली थी मैंने उसकी, क्योंकि 50 गोलियाँ लग जाती है फार्मास में। मैंने सोचा थोड़ा सा झुपक के हेल्थ मार लूँ, क्योंकि गोलियाँ वोलियाँ तो और चल रही है, बंदे आसपास काफ़ी ज़्यादा थे। ये पहले किल के बाद हम बढ़ते आगे, वहाँ से मुझे एक बंदा दिखता है, मैंने सोचा से मार दूँ, क्योंकि मेरी गोलियों से धड़ाधड़ लग रही है, उसकी गोलियाँ मुझे लगी नहीं रही थी स्टार्टिंग में। तो मैंने फिर उसका हेडशॉट लिया, वो मर गया एक ही बार में हेडशॉट से। तो यहाँ पे हमने इसे लूटा वूटा, फिर मैंने लेफ्ट से फिर एक गोली की आवाज़ सुनाई थी, और हम उसके तरफ बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 वो बंदा भागने लगा, वो तेजी भागने लगा, उसे लगता है मैं मुझे सुन लिया था। मैं उसके पास भागता हो गया, फुल तेज़ी में भागा मैं वहाँ पे, इतने मेरे को यहाँ से राइट से गोली चली, फिर मैंने उसे किसी गोली में नॉक फिनिश कर दिया। सोलो में तो फिनिश होता है, नॉक तो होते नहीं सोलो में। तो हम आगे, मैं आगे बढ़ा, फिर आगे से फिर गोलियाँ चली, बंदे को मारे जा रहे, मैं बंदों को मारे जा रहा, बंदे मिलने जा रहे, मैंने मारे जा रहा। फिर इसको मैंने काफ़ी डैमेज दे दिया, लेकिन डैमेज तो पड़ गया, लेकिन ये बंदा मरा नहीं मेरे से। फिर को ये सामने जो जिससे वो बंदा लड़ रहा था, ये सामने आ गया, उसको मैंने टपका दिया, ये बच नहीं सका मेरे हाथों से दोस्तों, ये बच नहीं सका, ये बहुत गंदा रो रहा होगा। फिर को सामने से गोलियों की अभी भी मतलब मैप में दिख रहा था गोलियाँ चल रही है, तो मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ते 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 यहाँ पे ये टंकी को पार करने के बाद मुझे वो बंदा भागता हुआ मेरी तरफ आता हुआ दिखा। मैं खड़े होकर सीधा धड़ाधड़ गोलियाँ, लेकिन मेरे पर लेफ्ट से भी राइट से भी गोलियाँ चल रही थी मेरे ऊपर, मुझे समझ नहीं आता कहाँ से गोली चली, उसने मैं वो बंदा सामने दिख गया। फिर मैंने जो ही उसे मारा है, जो ही मारा, बंदा रो रहा होगा भाई, बहुत गंदा रो रहा होगा, उसे नींद नहीं आएगी आज रात में। जल्दी से मैंने उसकी मतलब गोलियाँ वोलियाँ ले ली, उसके पास ढंग की कुछ गोलियाँ नहीं थी। सामने फिर वो एक और बंदा मिला, उस मतलब दिखा मिला क्या, फिर वहाँ पर जो लड़ाई हुई, 3-4 बंदे एक साथ सामने आ गए थे, लेकिन इनको फिर मैं मारता गया, ये बंदे मरी खत्म ही नहीं हो रहे, मारे जा रहा खत्म नहीं हो रहे, मेरी गोलियां खत्म हो जा रही थी बार बार। फिर मैं इसके पास भागता हुआ गया ताकि ये मतलब इसको मैं अच्छे से टपका सकूँ, लेकिन हाँ देखो ये मर गया ना। मैं इसके पास गया और यहाँ पे मुझे इसके पास गोलियां और बंदूक मस्त मस्त पड़े थे, मैंने वो सारा सामान उसको उठा लिया, लेकिन फिर उठाया नहीं, सामने से गोली चलने लगी मेरे पर, वो पीछे से ये बंदा बहुत गंदा मार रहा है मेरे को, फालतू में अरे ये बंदा रुक क्यों गया गोली चला चलाते, मर गया ना, फालतू में से पंगे ले रहा है, जानते नहीं प्रो। इसके पास लेवल 3 का हेलमेट था, मुझे मजा आ गया यार, लेवल 3 हेलमेट की अलग ही चौड़ होती है, कितनी गोली चले कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने सोचा इसको भी मारेंगे, लेकिन इसको गोली नहीं लग रही थी, मैं पास जाके मारूंगा तो सदा सही रहेगा। मैं इसके पास आने लगा, पुश किया मैंने, 30 मिनट को देख लिया गोली चलाना शुरू कर दिया मेरे ऊपर, उसने मेरे ऊपर गोली चलाएगा और हम इसे छोड़ देंगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल, विल डू इट, विल किल हिम।
हमने उसे मारा और फिर उसके बाद उसकी सारी गोलियां हेलमेट जो भी पड़ा था सब छीन लिया उसका। वो बंदा कह रहा होगा इतनी मेहनत से मैंने लूटा और ये मेरा ले गया, मेरा पपी फुल मजे काट रहा होगा। जैसे बंदे आते चिपक जाता है यार क्या पपी यार मारा कर रहा तो काट लेकर जाकर उनको रेविस कर जाएगा उनके। वो सामने एक और बंदा दिखा मुझे फिर इस वाला पैलेस डैमेज लेके बैठा हुआ था ये मर गया। इसको फिर हम मैं गया फिर राइट से कोई गोली चल रही मतलब यहाँ पे नहीं यहाँ पे बंदे रुकी नहीं रहे ऐसा लग रहा है स्पॉन हो रही थी यहीं पे धगा दे धड़ा धड़ा दे स्पॉन हो रही है। मेरे को अच्छा लग रहा है पपी मस्त लगता है यार छोटा सा। अब हम इसको लेके जा रहे हैं वो सामने ये बंदों को देखते गायब हो जाता है। काफ़ी अच्छा है ये पपी मेरा प्यारा सा, लेकिन ये बंदों को फायदा नहीं कुछ करता मुझे, उनके काटे वाटे कुछ मजे वजे दिलाए फुल मजे काटे हम भी। तो यहाँ पे काफ़ी देर बंदे खत्म हो चुके थे टोटल मैं हमारे किल हो चुके थे कितने आपको कितने दिख रहे हैं 12 या 13 आई थिंक 13 हो चुके थे, 7 अलाइव थे और 13 किल हो चुके थे हमारे इतने में। अब हमें जाना था जोन की तरफ शायद, तो जोन हमने मैंने सोचा पहले थोड़ा बैकपैक खाली कर लूँ काफ़ी भरा पड़ा है फालतू के सामानों से भी उनको निकालना ज़रूरी है। तो हम जल्दी जल्दी सारे सामानों को निकाल के हेल्थ वेल्थ मार के आगे की ओर बढ़ने के तैयार हो चुके हैं और हम बढ़ रहे थे। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ गया मेरे को फिर महसूस मेरे को ऐसा लगा बंदे नीचे हैं, मैं सोचा चलो एक बार जाते हैं चेक करते हैं नीचे वहाँ। उतने मेरे पे एक बंदे ने गोली चला दी, इस बंदे को दूसरे तीसरे हेडशॉट मैंने मार दिया। लेकिन ये ब्लैक स्क्रीन एडिटिंग की प्रॉब्लम हुई थी वो छोड़ो थोड़ा बहुत चलता है अभी, सीख रहे हैं हम भी एडिटिंग सीख रहे हैं ब्रो, प्रीमियर प्रो पे वी आर डूइंग एडिटिंग ब्रो। हेल्थ मारो इस बंदे ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था मुझे। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैं सोचा कोई ढंग की गन होगी कुछ लेजर वेजर जैसी, लेकिन नहीं मिली कोई गन वन। तो मैं सोचा मैं वहाँ पे सामने कुछ चमकती हुई चीज़ देखी, चमकती हुई चीज़ के पास आने के बाद मुझे कुछ नहीं दिख मिला और लेवल 3 बैकपैक था जो कि नॉर्मली मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। मैं फिर ये मेरे को एक क्रेट दिख रही है, मैं क्रेट में देखता हूँ है क्या, AK-47 दिखती है। मैं सोचा AK-47 क्यों ना उठा ली जाए, AK-47 उठा ली और स्कारल, AK-47 और स्कारल का कॉम्बो क्या ही बताऊँ, बंदों को एकदम अच्छे से दबा देता है क्योंकि इसके अंदर स्नाइपिंग तो ढंग से हो नहीं पाती मेरे से। अभी नया नया यूज़र ऊपर से गोली ये गोली चला रहा है, मैं इसको मारूंगा इसको मारूंगा, मैंने सारी गोलियां खत्म कर दी, बंदा मर ही नहीं रहा मेरे से। फिर आखिर में मरा ये, मैं सोचा यार ये बंदा मरेगा कि नहीं मरेगा ये मेरे हाथों आज। मैंने इसे मारा फिर इसका सारा सामान लूटा वूटा जल्दी जल्दी ताकि कोई और ना लूट ले, ऑब्वियसली मेरा सामान है मैंने मारा है मेरी लूट है मैं लूँगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद इस मैंने जैसे इस ट्रक को पार किया जैसे इसकी ट्रक का देख सरप्राइज है सरप्राइज माफक। फिर देखो यहाँ 3 बंदे लाइफ थे लेकिन जो दूसरा बंदा है ना उसको जो जिससे मेरी फाइनल फाइट हो रही है वो उसने मार दिया उस बंदे को। मैंने मुझे काफ़ी दुख हुआ यार इस बंदे को क्यों मारा, इसको मेरे को मारना था ना। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरा एक पप्पी छिपक गया, उसने सोचा गया कि बंदे आसपास होंगे, मैं यहाँ छिपक के TPP ले लेके बंदे को देख रहा हूँ आसपास कोई बंदा दिख जाए कोई बंदा दिख जाए, लेकिन वो बंदा दिखने का नाम ही नहीं ले रहा आखिरी बंदा, क्योंकि वो दोनों की भी फाइट होगी पहले तो उन दोनों की, उसके बाद ही वो ना जो फाइनल बंदा है मुझे मिलेगा वो। मैं उसे इस पूरे एरिया में ढूंढे जा रहा हूँ मेरे को वो बंदा मिलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हम भी किससे का मैंने उसे स्पॉट कर लिया फिर उसको बड़ी मुश्किल से लेकिन उसे ढूंढा, लेकिन वो बंदा सही बताऊँ तो मिल नहीं रहा था मुझे, काफ़ी देर के बाद मिला। लेकिन जो फाइनल फाइट हुई ना बहुत मुश्किल हुई, मुश्किल क्या हुई मैंने उसको मुझे से पहले स्प्रे दे के डराया फिर वो मेरे ऊपर बग्गी बग्गी कुछ लेके आया ऑटो रिक्शा वाला था यार, रिक्शे वाले मुझे मारे हैं क्या है AK-47 के सामने एक रिक्शा वाले क्या करेंगे। फिर मेरे को यहाँ से एक बंदा देखो उधर दूर भगता हुआ दिखा मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको पहले स्प्रे दिया जाए अच्छा सा, लेकिन मेरा स्प्रे इतना गंदा क्या बताऊँ, इतना गंदा स्प्रे मतलब क्या ही बताऊँ, स्प्रे इतना गंदा हो ही नहीं सकता किसी का। पहली बात है हमें ब्लड का स्प्रेड इतना ज़्यादा है ना, देखो वहाँ पे वो बंदा वो गिरता हुआ दिख रहा है ये जो लूट क्रेट है क्या आती है वो उसके पास वो बंदा भगता हुआ को दिखा, मैं उसको अच्छे से मारूंगा लेकिन मेरा एम ही नहीं लग रहा पहले तो, मैं उसके पास थोड़ा सोचा उसके पास जाकर उसे मारता हूँ लेकिन एम नहीं लग रहा, मैंने सोचा चलो उसको चलाता हूँ गोली, लेकिन मेरे जो ब्लड स्प्रेड हो रहा था ना काफ़ी ज़्यादा ब्लड स्प्रेड है इस वाले इसमें गन में इस कारल यहाँ पे। मैं थोड़ा पास गया उसके वहाँ जंगलों के, उसने मुझे अभी तक देखा नहीं था क्योंकि मैंने उसे देख स्पॉट कर लिया था वरना वो गोली वोली कुछ चलाता, मैंने जब गोली चलाई उसको गोली लगी नहीं रही, एक गोली नहीं लग रही, स्प्रेड इतना ज़्यादा मतलब छितर जा रही सारी गोली अंदर से उधर फट जा रही थी सारी गोली, या फिर रेंज इतनी कम होगी इसकी ताकि कुछ होना मतलब समझ रहे हो क्या होना वो। फिर ये मेरा कुत्ता बार बार डॉगी पप्पी जो भी है क्या नाम है केली वेली केली जैनी मतलब ये सारे गायब हो जाते हैं जैसे बंदे को देखते हैं, मैं तो यार बंदा कहाँ गायब हो गया, मेरे को लगा कि शायद उसके पास पुश करना चाहिए क्योंकि सर्कल भी उसके तरफ था, अगर मैं पहले रस नहीं करता उसके तरफ तो वो अगर उसने अच्छी खासी पोजिशन ले रखी होती तो वो मुझे आराम से निपटा सकता था, लेकिन नहीं उसके पास इतना दिमाग कहाँ कि मेरा सर्कल उसके पास है उसे वेट करना चाहिए क्योंकि मैं तो उसकी तरफ जाऊँ गई। वो आ गया
ये बग्गी लेकर उसकी बग्गी को मैंने कर दिया ठग्गी, वो बंदा हो गया फक्की। और इसके साथ मिल गया हमें बूया, ओ माई गॉड वी गॉट बूया अगेन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, होप यू एंजॉय द वीडियो गाइस, बाय। लोग क्या कहेंगे देंगे, भाड़ में जाए भाग में चिंता क्या करती है, बीए भाड़ में जाए भाड़ में जमार जो दबाओ यार, बस दबाओ। अब चलो यार, मैं भी जा रहा हूँ।